तो फिर भाई मारुति ने अपनी ग्रैंड विटारा को लॉन्च कर दिया है। गाड़ी बहुत ही सही है, बहुत ही ऑसम है और ये गाड़ी राइवल करने वाली है किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक एंड वॉल्सवैगन टिगुआन से। टिगुआन एंड कुशाक तो ज़्यादा इस सेगमेंट में कुछ कर नहीं पाती, तो फिर इस गाड़ी की मेन राइवल क्रेटा एंड सेल्टॉस होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा वर्सेस ग्रैंड विटारा का कंपैरिजन करने वाले हैं। और हाँ भाई, जैसे टोयोटा हाईराइडर और ग्रैंड विटारा सेम है, ऐसे ही एग्जिट किया सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा सिमिलर ही हैं। 19-20 का फर्क होगा नहीं तो सिमिलर ही हैं। तो फिर किया सेल्टॉस, क्रेटा एक तरफ और ग्रैंड विटारा एक तरफ हमारे कंपैरिजन के अंदर होने वाला है। तो फिर भाई अगर पहले बात करें गाड़ियों के इंजन की, सेल्टॉस क्रेटा के अंदर आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक टर्बो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं ग्रैंड विटारा के अंदर आपको दो पेट्रोल इंजन मिलेंगे, एक है माइल्ड हाइब्रिड जो कि वही सेम विटारा ब्रिजा के अंदर आता है और दूसरा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो हाँ, पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो फिर आप तुरंत सेल्टॉस क्रेटा की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रैंड विटारा के अंदर कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं आता है और दोनों ही गाड़ियों के पावर फिगर्स आपके सामने आ रहे होंगे, जहाँ पर आपको क्रेटा सेल्टॉस के अंदर ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो फिर यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं, अगर इंजन वाइज बात की जाए कि आपको कितनी पावर चाहिए और कितनी पावर नहीं चाहिए। तो फिर दोस्तों बात कर लेते हैं माइलेज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंडियंस के लिए। और भाई गाड़ी लेने से पहले हर बंदे यही पूछता है कितना देती है। तो फिर अगर लेने देने की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा के अंदर दो इंजन आते हैं, जो माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है उसके अंदर आपको 21.11 KMPL की माइलेज मिल जाएगी और जो इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला है उसके अंदर आपको 27.97 KMPL की माइलेज मिल जाएगी, इतना कंपनी क्लेम करती है। क्रेटा सेल्टॉस की बात करें तो फिर कंपनी का कहना है कि यहाँ पर दोनों इंजन के अंदर आपको 17 KMPL की माइलेज मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें डायमेंशंस की, तो फिर डायमेंशंस आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। देखिए भाई, यहाँ पर फर्क तो है लेकिन उतना नहीं है जो कि आपको रियल लाइफ में दिखाई देगा। रियल लाइफ में गाड़ी अराउंड सिमिलर ही होंगी, ज़्यादा कुछ खास फर्क ऐसे पड़ेगा नहीं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं मेन चीज़, सेफ्टी। तो फिर क्रेटा सेल्टॉस को ग्लोबल NCAP के अंदर 3 स्टार मिले हैं और जो ग्रैंड विटारा का प्लेटफॉर्म है वो सुजुकी टैक वाला प्लेटफॉर्म है, जिसको ग्लोबल NCAP के अंदर 4 स्टार मिल चुके हैं। तो फिर ऑफकोर्स यहाँ पर आपको सेफ्टी ज़्यादा ग्रैंड विटारा के अंदर मिल जाएगी। और भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि जो सुजुकी ग्रैंड विटारा है और टोयोटा हाईराइडर है उसको क्रैश टेस्ट के अंदर 5 स्टार भी मिल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और भाई यहाँ जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक हो गया, ABS, EBD, 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट। लेकिन ग्रैंड विटारा के अंदर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि क्रेटा सेल्टॉस के अंदर नहीं आता है। फिर दोस्तों बात कर लें एक्सटीरियर की, तो फिर यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस बन जाती है कि आपको किसकी लुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं, क्रेटा सेल्टॉस या फिर ग्रैंड विटारा की। लेकिन अगर बात कर लें फीचर्स की थोड़ी बहुत जो कि बाहर आपको मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ पर 17-inch अलॉय व्हील, शार्प फिन एंटीना, LED DRLs विथ LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट्स, रियर वाइपर विथ रियर डिफॉगर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBMs और सनरूफ जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन सेल्टॉस के अंदर आपको आधी सनरूफ मिलती है, लेकिन ग्रैंड विटारा और क्रेटा के अंदर आपको फुल साइज पैनारामिक सनरूफ मिल जाती है। तो फिर भाई यहाँ पर कार्स की लुक्स टोटली डिफरेंट है, तो फिर ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी की लुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर दोस्तों बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, यानी कि अंदर का माल कैसा है, तो फिर तीनों ही गाड़ियों में आपको अराउंड सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं उनकी, जो कि तीनों गाड़ियों के अंदर आने वाले हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर, रियर आर्मरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट और सेकंड रो में 60-40 वाली सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर इवेंट्स एंड ड्राइव मोड जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। और भाई जो हेडसअप डिस्प्ले वाला फीचर है वो आपको सेल्टॉस एंड ग्रैंड विटारा के अंदर ही मिलेगा, क्रेटा के अंदर नहीं आता है। तो फिर भाई यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क है जो कि इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर ग्रैंड विटारा के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे क्रेटा सेल्टॉस तो क्या हैरियर सफारी हेक्टर भी घबराती हैं, ऑल व्हील ड्राइव ग्रैंड विटारा के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि एक रियल SUV वाला फीचर है लेकिन आजकल की गाड़ियों में नहीं आता है, लेकिन ग्रैंड विटारा के अंदर आता है। तो फिर भाई बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की, तो फिर भाई तीनों ही गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही सही हैं, लुक्स बहुत ही तगड़े मिल जाते हैं, फीचर्स अराउंड सिमिलर ही मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फर्क होगा जो कि इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन क्रेटा सेल्टॉस के अंदर आपको
ज़्यादा पावर मिल जाती है, लेकिन ग्रैंड विटारा के अंदर आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाती है। और क्रेटस सेल्टोस फ्रंट व्हील ड्राइव के ऑप्शन में आते हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ग्रैंड विटारा के लिए। तो फिर भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से ग्रैंड विटारा विनर है। ज़्यादा माइलेज और ऑल व्हील ड्राइव, ये दोनों चीज़ें बहुत ही बड़ी चीज़ होती हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से साफ साफ ग्रैंड विटारा विनर है। और उसके बाद आपकी मर्जी कि आपको नया माल पसंद है या फिर पुराने माल पसंद है। वेल गाइस, मिलते हैं फिर।